समझ गया मेरी रानी, अब ना करू ना दानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहौलों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद में कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के विषय में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर SK दुबे, जो कि जिला फिरोजाबाद में उप कृषि निदेशक हैं। आइए विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है क्या? ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रारंभ की गई है, ये उत्तर प्रदेश प्रांत की ही नहीं पूरे देश में हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया है गत वर्ष से। उसका मेन उद्देश्य यह है कि हमारे जो किसान भाई जी, उनको ये जानकारी हो कि जिस मिट्टी मृदा में हम अपनी फसल को उगा रहे हैं उसका स्वास्थ्य क्या है। जिस तरह से मानव का स्वास्थ्य की एक कार्ड होता है, उसी तरह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी तैयार करके किसानों को दिया जाए, और उसमें हमारे वर्तमान में फर्टिलिटी का जो उर्वरकता का स्टेटस है मृदा का, वो उसमें अंकित हो, और उसी के क्रम में हमारे किसान भाई अपनी फसलें लें। ये मेन उद्देश्य हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है। अच्छा अच्छा, तो इसमें मृदा के नमूने प्राप्त करने की विधि और सावधानियाँ क्या है? सबसे पहले तो यह है कि हम जिस खेत में हमारे किसान भाई नमूना देना चाहते हैं, तो हमारे विभागीय जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो भी जाके उनको बता सकते हैं, और उनके उपस्थिति में लें तो बहुत बेहतर रहेगा, और नहीं तो स्वयं भी ले सकते हैं। उनको भी समय समय पर प्रशिक्षण हमारे कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता है। अच्छा। और विशेष तौर से जब भी वो नमूना लें, या तो उसमें हमारे जिस खेत में ग्रिड को उन्होंने चयन किया है उसमें 6 इंच × 4 इंच × 6 इंच का एक गड्ढा बनाते हैं वो चारों कॉर्नर पर और बीच सेंटर में, और सभी जो पॉइंट्स हैं उनकी मिट्टी एकत्रित करने के बाद उसको फिर एक प्लास्टिक की जो थैली है या प्लास्टिक का जो भी आपका है जिस पर वो बिछा लें, और उसमें
चार पोर्शन उसके मिक्स करेंगे, उसके चार पोर्शन करेंगे, सामने पोर्शन रिमूव कर देंगे और फिर दोनों सामने बचेंगे, फिर उनको मिक्स करेंगे। वो तब तक करते हैं जब तक हाफ के जी मिट्टी जब रह जाती है, उसके बाद फिर उसको जो नमूने की थैली है काटन की, उसमें हमारे किसान भाई उसको भरेंगे या फिर हमारे जो कर्मचारी हैं वो भरेंगे और फिर उसको लैब में, उसमें उस थैली पर कृषक का नाम, गांव का नाम, विकास खंड का नाम और नमूना लेने की तिथि और जो फसल आगे किसानों को लेना है, हमारे किसान भाइयों को लेना है, वो भी उसमें अंकित करें जी जी। और ये जब सैंपल तैयार हो जाएगा उसके बाद ये सैंपल किसान भाई सीधे हमारे मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेज सकते हैं, हमारे कर्मचारी भी इसको सीधे ले जा सकते हैं परीक्षण के लिए। अच्छा अच्छा, तो मृदा का परीक्षण कैसे किया जाता है और कितनी अंतराल पर हमारे किसान भाई बहनों को करना चाहिए? ये है कि एक साल में एटलीस्ट कम से कम एक बार होना चाहिए और फसल बुआई से पहले। अच्छा अच्छा, हमारे किसान भाई अवश्य ये जान लें कि हमारे जो मृदा की स्वास्थ्य है उसमें जो हमारे NPK है, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे जो द्वितीय पोषक तत्व हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, उनका स्टेटस क्या है, स्तर क्या है, क्योंकि जो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग तभी हमारे किसान भाई कर पाएंगे जब हमारे मृदा की जो पोषक तत्वों का जो स्तर है वो मालूम होगा। जी जी, अच्छा ये तो बात रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड परीक्षण की बात, मृदा के परीक्षण की बात रही। अच्छा ये जो प्रगतिशील किसान है ये तो आसानी से इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन जो प्रगतिशील किसान नहीं है उनको आसानी से क्या ये चीज़ समझ में आ जाती है क्या? पूरे प्रदेश में ये जो अभियान वर्तमान में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है जी, और हम हर गोष्ठी चाहे विकास खंड पर हो, चाहे न्याय पंचायत स्तर पर हो, चाहे तहसील स्तर पर हो, जिसमें हमारे किसान भाई एकत्रित होते हैं, उसमें प्रगतिशील किसान भी होते हैं और हमारे सामान्य किसान भी होते हैं, उनको हम लोग तकनीकी जानकारी हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, चाहे वैज्ञानिक के द्वारा, हमारे विभागीय अधिकारियों के द्वारा हम लोग देते हैं और मृदा नमूना कैसे लेंगे, कब लेंगे, सावधानियां उसमें क्या बरतेंगे, ये सब जानकारियों से उनको लैस किया जाता है और उसी के क्रम में हमारे किसान भाई समय समय पर अपने फसल जो लेने जा रहे हैं, चाहे खरीफ की हो चाहे रबी को, उससे पहले वो सैंपल स्वयं एकत्रित करके या कर्मचारी के द्वारा माध्यम से एकत्रित करवा के मृदा परीक्षण लैब में प्रेषित करते हैं। अच्छा, तो ये कार्ड प्राप्त करने का क्या माध्यम रहता है, कैसे प्राप्त करें हमारे किसान भाई कार्ड? जब हमारा सैंपल, जब हमारे किसान भाई सैंपल्स मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंचा देते हैं या कर्मचारी पहुंचा देते हैं, उसकी एनालिसिस होती है। एनालिसिस के समय जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में हमारे किसान भाइयों की जानकारी के लिए होनी चाहिए, उसमें मुख्य रूप से कि हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर है, फास्फोरस अवेलेबल का स्तर है, हमारा अवेलेबल पोटास का स्तर है, वो क्या है, उसकी कैटेगरी होती है। यदि किसी क्षेत्र की जमीन जिसका सॉइल सैंपल आया, उसका परीक्षण हुआ, यदि 0.2% से कम है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन तो अति न्यून उसका स्तर किया गया है, और 0.2 से 0.5 इनका रेंज में अगर है तो न्यूनतम आएगा, 0.5 से 0.8 में जो हमारा मध्यम आएगा, 0.8% अगर अबव है तो उच्च कैटेगरी में हमारी वो किसान भाई की जो जमीन जिस एरिया में है उसकी कैटेगरी इंगित की जाएगी। उसी तरह से अवेलेबल फास्फोरस का भी है, उसी तरह से अवेलेबल पोटास का भी है। इनका भी अवेलेबल जो हमारा फास्फोरस है उसका हम लोग विशेष तौर से ध्यान देते हैं कि 10 केजी अगर अवेलेबल फास्फोरस से कम आता है प्रति हेक्टेयर तो उसको हम अति न्यूनतम करते हैं, 10 से 20 में हमारा न्यूनतम होता है और 20 से 40 केजी अगर आता है तो हमारा मध्यम होता है और 40 से अब जो है वो उच्चम होता है। ये कैटेगरी है कि हमारी जो सॉइल टेस्ट हुई है और उसका जो सैंपल जिस एरिया से आया है उसमें NP का स्टेटस क्या है। उसके बाद हम अगर अब लेवल पोटास की बात करें, क्योंकि बहुत जरूरी है, तो उसमें विशेष तौर से देखा गया है कि 50 केजी से यदि कम है अब लेवल पोटास तो वो हमारा अति न्यून आता है, 50 से 100 हमारा न्यून आता है, 100 से 250 हमारा आता है मध्यम में और 250 केजी से ऊपर है तो वो उच्च आता है। अच्छा, इस कार्ड में कौन कौन से बिंदु जो है वो शामिल रहते हैं? उसमें विशेष तौर से ये है कि किसान भाई का ये उसमें चूंकि लेवल जब आता है हमारा सॉइल सैंपल, उसमें लिखा होता है कि कौन सी फसल लेनी है। अच्छा अच्छा, तो उस विशेष फसल के लिए हमारी जो अवेलेबल NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये है, उसके अतिरिक्त कितनी
यूरिया, कितनी डीएपी, कितनी पोटास की आवश्यकता होगी और उर्वरकता मेंटेन बनी रहे उसके लिए जरूरी है कि कंपोस्ट खाद या हरी खाद या जो भी किसान भाई हमारे उगा सकते हैं उसकी भी मात्रा उसमें इंगित होती है। अच्छा अच्छा, तो ये सब चीज़ें, ये सब पोषक तत्वों का उसमें अंकन करके किसान भाई इस जानकारी में रहता है कि हम धान की फसल लेने जा रहे हैं तो हमें पर एकड़ या पर हेक्टेयर कितना यूरिया देना है, कितना डीएपी देना है, कितना पोटास देना है। और उससे पहले अगर हमने कंपोस्ट डाली है तो उसमें वो कंपोस्ट कितनी पड़ेगी, हरी खाद हमको कितना वो पोषक तत्व मिलेंगे, तो ये सब पूरी डिटेल जानकारी होती है। और ये जब जानकारी साथ किसान भाई हमारे फसल को लेंगे तो निसंदेह हमारी उर्वरकता मेंटेन रहेगी, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग का उद्देश्य पूरा होगा और हमारे उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी जरूर होगी जब उत्पादकता बनी रहेगी तो। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, ये जैसे ये देखा गया है कि फसल चक्र जो है अगर हम सही तरीके से नहीं अपनाते हैं तो भी क्या भूमि पर असर पड़ता है? ये बहुत आवश्यक हो गया हमारे किसान भाई को ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय कि यदि हम लगातार धान और गेहूं की फसल ले रहे हैं जी। तो दो तीन महीने का जो पीरियड बाद मिलता है उसमें एक दलहनी फसल लें जी। उन दलहनी फसल में जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है जो वातावरणीय हमारा जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और जो उससे हमारी फर्टिलिटी जो उर्वरकता है उसमें वृद्धि होती है और फसल चक्र लेने से जो हमारा एक संतुलन है वो बना रहता है और उससे हमारी जो रेशियो है वो भी सीएन रेशियो वो भी मेंटेन रहेगा और हमारे जो उत्पादन है वो भी किसानों को बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस कार्ड को नियमित रूप से लाभ, इस कार्ड से नियमित रूप से लाभ प्राप्त करते रहे हमारे किसान भाई बहन, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए आवश्यक ये है कि वो चूंकि कृषि विभाग से संपर्क में रहते हैं, नंबर एक जनपद में भी संपर्क कर सकते हैं, जिला कृषि अधिकारी के यहाँ, उप कृषि निदेशक के यहाँ, हमारे तहसील में उप संभागीय कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनसे संपर्क में रह सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सी स्टोर जो हमारे विकास खंड स्तर पर उसमें और न्याय पंचायत स्तर पर प्रावधिक सहायक, अब हमारे प्रदेश सरकार ने उनको भी तैनात कर दिया है, तो अब हमारे किसान भाई न्याय पंचायत स्तर पर संपूर्ण तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के साथ यदि हमारी खरीफ रबी और जायद की फसलें वो लेंगे और जो हमारी सुझाव हैं, जो हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो हमारे बिंदु हैं उनका उसी तरह से वो फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो निसंदेह हमारे उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि होगी और मृदा की उर्वरकता मेंटेन रहे। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी बातें हैं जो मृदा को स्वस्थ रखने में बहुत ज़रूरी हैं? हमारे किसान भाइयों को विशेष तौर से अब ये आवश्यक हो गया है, जैसे हम धान की अगर हमारे किसान भाई फसल ले रहे हैं तो उसमें कहीं कहीं जिंक की भी कमी दिखाई देती है, तो ये आवश्यक है कि उस जिस धान की फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग अवश्य करें, जो मृदा परीक्षण का जो डाटा दिया गया है, मृदा परीक्षण जो परिणाम आए हैं उसके क्रम में, और ये भी सावधानी रखें कि जब भी कभी सैंपल लें तो सूखी हमारे खेत की सूखी मिट्टी हो और जो जहाँ से हम ले रहे हैं वहाँ से नाली और या उर्वरक के गड्ढे ना हो पास में, क्योंकि तो उसकी सही उर्वरकता का पता नहीं लगता है, पेड़ की छाया के नीचे सॉइल सैंपल्स कलेक्ट न करें, तो इन इन सावधानियों के साथ यदि हमारे किसान भाई सॉइल सैंपल सही समय पर सही तरीके सही से, तरीके से करते और तकनीकी विषय जो हमारे तकनीकी सहायक जानकारी देते हैं उसके क्रम में सैंपल कलेक्ट करेंगे और परीक्षण उसका होगा तो बिल्कुल सही परिणाम के साथ ही जो हमारा जो हमारे मिट्टी का पोषक तत्वों को स्टेटस है उनको जानकारी रहेगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जाना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ आप उठाएंगे तो आपकी मृदा, आपके खेत की जमीन बहुत उर्वर बनी रहेगी और स्वस्थ बनी रहेगी और हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप भविष्य में जरूर लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।